गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सीपियां। सीपियां। ध्रुव समंदर के किनारे रहता है। उसने अपने तीन दोस्तों के लिए मालाई बनाने की सोची है। वह पूरी दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियां इकट्ठा कर ली हैं। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियां हैं। ठीक है, तो सीपियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, समंदर में होती हैं। समंदर में जो सीपियां होती हैं, सीपी मतलब क्या होता है, वो एक जानवर है। ठीक है, उस जानवर पर जैसे आपने क्या देखा है, कछुआ देखा है। हाँ। कछुए के ऊपर से खोल होता है टाइट सा, हाँ मतलब उसको जी। पत्थर से भी मारो तो भी कोई असर नहीं नहीं होता। होता। तो वैसे ही एक जानवर समंदर में होता है, उसके भी क्या होते हैं, उसकी बॉडी पे भी ऐसे ही होते हाँ हैं। जी, तो क्या मैंने होते हैं, वो हमारे टूट के निकले रहते हैं, वो टूटते हैं जैसे ही, तो वो समंदर के किनारे पे क्या होते हैं, बह के आ आ जाते जाते हैं हैं। जी। तो वो क्या कर रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है सबको। ठीक है, जो गिरी हुई चीजें हैं। तो उसने शाम तक कितनी सीपियां इकट्ठा कर ली, 112। 112। अब वो तीन दोस्तों के लिए क्या बनाना चाहता है, मालाएं। माला। अब वो बोल रहा है, मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा, क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी। अब देखो, वो बोल रहा है कि मैं एक माला में कितनी सीपी लगाऊंगा, 28। 28। तो तीन दोस्तों के लिए कितनी लगेंगी, क्या करना पड़ेगा, गुणा। गुणा हाँ गुणा करें। जी। 28 को किससे, 3 से। बताओ, 3 8 जा 4। 3 8 24, 24। 2 यहां पर क्या आ जाएगा, हासिल। 3 2 छः। दो आठ। आठ। अब देखो, उसने 28 सीपियां निकाल कर, अब उसने क्या किया देखो, जैसे ही उसने 112 सीपियां ली, उसने उसमें से 28 सीपियां निकालकर एक माला बना ली। बना अब ली। उसके पास कितनी बच गई, चौरासी। अठारह। 112 में कितना घटा दिया हमने, 28। तो अट्ठाईस। 84 बचा, एक माला हमारी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब उसके पास 84 सीपियां हैं। उसने फिर 28 सीपी लेकर दूसरी माला तैयार कर ली है। ठीक है, अब देखो, उसके पास थी कितनी, 84। अब उसने इसे उसमें से 28 क्या कर ली, फिर से यूज कर ली। अब देखो, घटाओ, 14 में से 8 गया, बचा 6, 7 में से 2 गया, सात दो बचा चार 5। ठीक है, पांच तो अब उसके पास कितनी बची हैं, 56। और माला कितनी बन गई हमारी, दो। दो। एक तो 28 की पहले बन गई थी, एक 28 की दूसरी बन गई। अब उसके पास कितनी बची हैं, ये 56। अब उसके फिर उसने तीसरी माला बनाने के लिए, अब उसने तीसरी माला भी बना ली। अब देखो, तीसरी माला में भी उसके 28 लग गए। अब बताओ, 16 में से 8 गया, 8, 8, 4 में से 2 गया, दो। अब देखो, तीसरी माला भी बन गई, अभी भी कितनी बची हैं उसके पास, 28। 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है, बताओ, चार। चार। कितनी बना सकता है, चार। तीन तो वो चार। बना चुका है, अभी भी 28 बची हुई हैं। इसका मतलब वो एक और क्या कर सकता है, इससे बना बना पाएगा। ठीक है, कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई है। 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा ये, भाग देखिए, भाग करना पड़ेगा। 17 का भाग किसमें देंगे हम, 100 में। दो, 17 पंजे 50, 85, 10 में 5 गया, 10 में 5 5, 9 में 8 गया, 1, कितनी मालाएं बन पाएंगी, 5, कितनी मालाएं बनेंगी, 5, कितनी सीपियां, कितनी सीपियां बच जाएंगी, 15, 15। अब देखो, तो यहां पर एक क्वेश्चन और था, इतनी सूपियों से क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी, हाँ। तो आंसर क्या है, हाँ। ठीक है,